चलिए, अभी तक हमने इसके फॉर्मेटिंग के कुछ हिस्सों को देखा। आज हम फॉर्मेटिंग लेआउट में आगे का पार्ट देखते हैं। यहाँ हमने फॉन्ट का स्टाइल, उसका बोल्डनेस, कलर, साइज, ये हमने देखा था। आज हम देखते हैं फॉर्मेट के अंतर्गत पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। 2007 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को भी शॉर्टकट के रूप में दिया गया है, टूल में दिया गया है। इसमें सबसे पहला आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। यदि हमें लाइन के आगे डॉट लाइंस या बुलेट्स बनाना है, जैसे हमें कोई लिस्ट तैयार करना है और लिस्ट में हमें लिस्ट कोई सी भी आइटम की हो सकती है, उदाहरण के तौर पर जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, रैम को कर दिया है इसने, ठीक है। तो इनके आगे हमें डॉट्स लगाने हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे और ये बुलेट से नंबरिंग पे जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बुलेट हैं, जो भी आप बुलेट इसमें लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, तो ये लागू हो जाएगा। बुलेट्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो बुलेट दे रखे हैं वो तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा ये चेंज लिस्ट लेवल्स हैं, ये लेवल निर्धारित कर सकते हैं। डिफाइन से आकर के न्यू बुलेट भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें सिंबल है, ये सारे सिंबल्स हैं। जो भी सिंबल आपको इसमें असाइन करना हो वो सिंबल यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं, या जिसे कहते हैं कि ले सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सिंबल्स हैं, जो भी आप इसमें लेना चाहें उसे ओके करें, ओके कर दीजिए। ये देखेंगे आप कि सिंबल इसमें आ चुका है। और भी यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह डिफाइन करना है तो डिफाइन न्यू बुलेट में जाएं, पिक्चर में जाएं, और पिक्चर से यहाँ पर कुछ सिंबल्स पिक्चर से दे रखी हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी सिंबल्स हो गया, या कोई बाहरी फाइल लेना है तो इंपोर्ट को क्लिक करें। इंपोर्ट विंडो आएगा, जहाँ पर भी आपके पिक्चर्स हैं वहाँ से उन पिक्चर्स को आप असाइन कर लीजिए या इंसर्ट कर लीजिए। अब हम जैसे यही पिक्चर ले लेते हैं, इसमें डेस्कटॉप पे मैं देख लेता हूँ, जैसे ये सब्सक्राइब नाउ को मैं इंसर्ट करता हूँ, ऐड करेंगे, ये यहाँ पे आ चुका है, ओके करेंगे। अब देखेंगे कि बुलेट की जगह वो पिक्चर्स आ गया है। अब यदि आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक अगला बुलेट जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर बुलेट अगला नहीं जनरेट करना, तो आप दोबारा एंटर कर दीजिए। जो बुलेट जनरेट हो रहे थे, जैसे यहाँ से आप टाइप करके एंटर करते हैं अगला जनरेट, अब आपको नहीं चाहिए, एक बार और एंटर कर दीजिए, बुलेट्स हट जाएंगे। बुलेट के आगे के अलावा आप नंबरिंग भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें 1, 2, 3 ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो ये एमएस वर्ड की एक अच्छी विशेषता है। नंबरिंग में आप 1, 2, 3 ले सकते हैं, रोमन ले सकते हैं, ABCD ले सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट इंसर्ट करने की सुविधा एमएस वर्ड देता है। तो यदि आप रेगुलर हमारे वीडियोस वॉच करेंगे तो मान के चलिए कि एमएस ऑफिस का अच्छे से आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, यानी घर बैठे ही आप सीख सकते हैं। बस शर्त है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उन वीडियोस का आप प्रैक्टिकल कर लें। एक बार आपने वो प्रैक्टिकल कर लिया तो आपको ये चीज़ें अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, नंबरिंग के बाद यहाँ पे स्टाइल भी है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत लेआउट्स आपको चेंज करना है, हेडिंग सब हेडिंग बनाने हैं, तो जो भी फॉर्मेट यहाँ पे लेंगे वो आपके इसमें लागू हो जाएंगे। इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप। इसके बाद यहाँ पर इंडेंट और इंडेंट है, और इंडेंट में दो प्रकार के इंडेंट पूछे जाते हैं, इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज। उदाहरण के तौर पर मुझे कुछ कोर्स के बारे में डिफाइन करना है, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं BSc। BSc जैसे मैं एंटर करते हैं, अब मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है फर्स्ट सेम, तो हम फर्स्ट टाइप करेंगे, डॉट लगा करके नंबर 1 डाला और उसमें फर्स्ट सेम एंटर करते हैं। अब देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ से एंटर किया तो कर्सर यहाँ गया, यानी फिर से मुझे टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ सेकेंड से, फिर
फिर एंटर करता हूँ, फिर कर्सर नीचे को। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम एंटर करें तो लिस्ट के नीचे ही हमारा कर्सर आ जाए। यदि टैब बटन प्रेस करते हैं तब तो और भी ठीक है कि ये इस लेवल ठीक आएगा, लेकिन यदि आप टैब बटन प्रेस ना करते हुए स्पेस से आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे कि थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है और उसमें इसको सेट करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। इसके अपेक्षा आप इंडेंट पर क्लिक करें, इंडेंट पर जाएं और इंक्रीज़ कर दीजिए। इंक्रीज़ करने से अब आप देखेंगे, मैं यहाँ पर डालता हूँ 4th सेम, ठीक है, मैंने 4th सेम डाला, एंटर करेंगे। कर्सर पे आप ध्यान देंगे कि जैसे एंटर किया तो कर्सर उसके जस्ट नीचे आया है। ये फ़ायदा रहेगा इंडेंट से। ये देखिए फिर से कर्सर उसके जस्ट नीचे आया, यानी अब आपको क्या करना है, इंडेंट सेट करके आपको एंटर करके डेटा टाइप करते जाना, लिस्ट आपको जनरेट कर दिया। इसी प्रकार हेडिंग सब हेडिंग्स आपने बनाई, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर BSc के बाद, BSc के अंडर में ही 6th सेम के माना कि ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको इंक्रीज करेंगे एक बार और। यहाँ पर माना कि ऑप्शनली पेपर है फर्स्ट और सेकंड, ये देखेंगे आप फर्स्ट लिस्ट के अंडर में ये लिस्ट आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडेंट का प्रयोग है। अब यदि इसको वापस आपको पीछे लाना है तो डिक्रेस कर दीजिए, डिक्रेस हो जाएगा। तो इंक्रीज एंड डिक्रेस का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको असाइन करना है MSc तो आप असाइन कर सकते हैं MSc। तो इस प्रकार से इंडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वर्ड की फॉर्मेटिंग के लिए। अगला आता है A to Z को भी असाइन किया गया। ये असेंडिंग क्रम दिया गया 2007 के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत, टेबल के अंतर्गत इसे असाइन किया गया था, लेकिन 7 के अंतर्गत पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ में दिया गया। तो ये एक विशेषताओं में आता है। कंपैरिजन करें, कंपेयर करें हम 2003 और 2007 में, तो यहाँ पर ये एक नई चीज़ है जो डेटा की फॉर्मेटिंग को भी A to Z क्रम में सेट करता है। तो पैराग्राफ को यदि हमें सेट करना है, ये देखेंगे आप कि इस डेटा को इसने न्यूमेरिक आधार पर 1, 2, 3 को पहले ले लिया है और फिर कैरेक्टर को लिया है। तो इस प्रकार से असेंडिंग A to Z क्रम में सॉर्ट कर दिया। आप Z to A नंबर के आधार पर सिलेक्ट था, टेक्स्ट के आधार पर लेना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के आधार पर असेंडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी विशेषता है MS Word की। तो ये नंबरिंग हमने डाल रखा है, वो नंबरिंग सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ही ऑप्शंस हैं, उसमें आप इनको असाइन कर सकते हैं। 2, 1 पहले आ गया, फिर बाकी के नंबर्स इसमें आए हैं। पैराग्राफ में भी आप जो टेक्स्ट क्रम है उसमें भी टेक्स्ट क्रम असाइन करके और इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। कोई भी हम नेम ले लेते हैं, ये नेम हम ले लेते हैं, इसके बाद सेलेक्ट करके और असेंडिंग क्रम में इसको लागू कर देते हैं। ये देखेंगे आप अजय, अमित, राम और सुमित। तो एक अच्छी सुविधा MS Word 2007 के अंतर्गत दी गई। इसके बाद अगला आता है मार्कअप। मार्कअप की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये एक थोड़ा सा यूं कह दें कि बेकार सा ऑप्शन लगता है। ये जो मार्कअप है ये पैराग्राफ मार्कर है। जब एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है और हमें पैराग्राफ खत्म की हर लाइन के बाद में ये दर्शाना है तो मार्कअप का प्रयोग करेंगे। ये पैराग्राफ के खत्म होने को दर्शाता है। आप देखेंगे नॉर्मली आप टाइप करते आ रहे हैं तो मार्कअप नहीं आ रहा है, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फिर एक नया पैराग्राफ मार्कअप जनरेट होगा। क्योंकि जब एंटर कर देते हैं तो MS Word ये समझ लेता है कि जो डेटा टाइप किया है, जहाँ तक किया है, वो एक पैराग्राफ था। जैसे एंटर किया तो अगला पैराग्राफ बन जाता है। तो पैराग्राफ मार्कअप जब आपको एक पैराग्राफ ख़त्म करना हो और ये दर्शाना हो कि यहाँ एक पैरा ख़त्म हुआ है, तब आप पैराग्राफ मार्कअप का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो इसे क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा। नॉर्मली बहुत कम इसकी आवश्यकता लगती है, लेकिन जब कहीं कोई फाइल आपको पहुँचाना हो तब आप पैराग्राफ मार्कर का मार्कअप का यूज कर सकते हैं। चलिए पैराग्राफ मार्कअप को हमने समझा। इसके बाद आता है अलाइनमेंट।
तो एमएस वर्ड हमें चार प्रकार से अलाइनमेंट की सुविधा देता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। अभी जो डेटा हमारा टाइप हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट से हम असाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि यही सेंटर से चाहते हैं तो आप सेंटर को क्लिक करें। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो जो डेटा टाइपिंग है, पहले हम थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो डेटा टाइपिंग है वो सेंटर से असाइन होना स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये अलाइनमेंट हो गया सेंटर। यदि इसी को आप राइट चाहते हैं, ये देखिए, कई बार ऐसे लिस्ट जनरेट करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्रोजेक्टर वगैरह, प्रोजेक्ट बनाया आपने, प्रोजेक्ट असाइन करना है, तो एक तरफ आप आपका नाम लिखते हैं, दूसरी तरफ टीचर का लिखते हैं, तो टीचर वाली स्थिति में आप इसको अलाइन सेट कर सकते हैं और इस प्रकार से नाम। तो यहाँ पर अब फायदा क्या है, इधर से मेंशन होगा, ये देखेंगे आप। ये तो अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट से ना होकर के अब राइट से मेंशन होना स्टार्ट होगा। दूसरा, कई बार हमें पैराग्राफ जो हमने असाइन किए हैं उन पैराग्राफ्स में लेवल का कहीं ना कहीं कमी आती पीछे का, तो ऐसी स्थिति में आप सेलेक्ट करें और जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी देखेंगे हल्का सा यहाँ पे फर्क पड़ा, ये क्योंकि इनके लेवल में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, तो जस्टिफाई में उसको सेट करता है वो, तो ये जस्टिफाई है। जब कई बार स्थिति आती है कि पैराग्राफ आप एप्लीकेशन लेटर आप असाइन कर लेते हैं, इधर से तो ये मेंशन करके चलता है क्योंकि अलाइनमेंट लेफ्ट है, लेकिन राइट साइड में वो अलाइनमेंट को लेवल जो है वो प्रॉपर सेट करके नहीं चलता है, और ऐसी स्थिति में आपका जो आपने डेटा सेट किया है उसमें जो फॉर्मेटिंग लेआउट्स हैं वो आपको थोड़ा सा न्यू कह दे कि अनकंफर्टेबल या बेकार से बिना सेप के दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सेलेक्ट करें जस्टिफाई। ये जस्टिफाई, ये देखिए, यहाँ पर जो लाइन का लेवल कम था ये मेंशन करता है उसको जो है कि राइट राइट लेआउट में, तो जस्टिफाई ऑप्शन है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। कई बार हमें लाइन की दूरी या स्पेस में बढ़ाना होता है, तो हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग है 1.0 कम करना है। बाई डिफ़ॉल्ट 1.15 था, 1.5 रखना है। इसके अलावा और बढ़ाना है, 2.0 का स्पेसिंग रखना है, या फिर आपको 2.5। तो इस प्रकार से लाइन स्पेसिंग आप रख सकते हैं। इसी में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी दे रखे हैं जिससे भी आप मेंशन कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत लेफ्ट में आपको स्पेस छोड़ना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पैराग्राफ में उतना स्पेस लेकर चल रहा है, राइट से कुछ स्पेस पर्टिकुलर छोड़ना है, स्पेशल लाइन, फर्स्ट लाइन को स्पेशल लाइन में लिखना है, जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह के स्पेस हम छोड़ देते हैं, या डिफाइन करना होता है, तो ऐसी स्थिति में आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग आप बिफोर और आफ्टर दोनों के बीच में आप पैराग्राफ स्पेसिंग निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि आपको ये इसका तुरंत प्रैक्टिकल यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो है कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के बाद आता है बैकग्राउंड या हाईलाइट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का कलर हाईलाइट करना है आपको। हमने इसके पहले यहाँ पर हाईलाइट पढ़ा था, ये हाईलाइट, लेकिन ये हाईलाइट जो है वो पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना या उसको हाईलाइट करने के लिए, पूरे पैराग्राफ के लिए नहीं, लेकिन वहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका कहीं ना कहीं गलत होता है, जबकि ये पूरा बैकग्राउंड को मेंशन कर। हाँ, आपको इसका कुछ फ़र्क समझना है दोनों का, तो वो आप देख सकते हैं। हाईलाइट में क्या होगा कि जब आपने दो लाइन को सिलेक्ट किया, हम दो या तीन लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये तीन लाइनों को हमने सिलेक्ट किया और हाईलाइट पॉइंट पर जा कर के मैं यहाँ से कोई भी कलर असाइन कर देता हूँ। ये मैंने कलर असाइन किया, ठीक है। अब देखेंगे कि ये बीच का जो स्पेस है ये छोड़ दिया, क्योंकि पर्टिकुलरली ये बैकग्राउंड के लिए नहीं बना है, ये बना है डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप बुक पढ़ते हैं और बुक में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उसके ऊपर मार्कर से लाइन खींच देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, सेम उसी प्रकार को डेटा को अंडरलाइन करना है तब आप इसका प्रयोग करें। लेकिन हमें डेटा की बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग करना है तब हम इस बैकग्राउंड कलर का प्रयोग करेंगे, जिसे शेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो भी कलर आप लेंगे, आप देखेंगे कि पूरे टेक्स्ट के पीछे हो रहा है और यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट अलग ही हाईलाइट हो रहा है, तो हम हाईलाइट पॉइंट अभी हटा देते हैं।
ये नो कलर हम असाइन करते हैं, ये देखिए ये पूरे बैकग्राउंड में, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर हुआ है। तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड, टेक्स्ट बैकग्राउंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप बॉर्डर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं टेक्स्ट की, तो ये बॉर्डर ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें ये सारे बॉर्डर्स हैं। ऑल बॉर्डर आप क्लिक करेंगे तो पूरे टेक्स्ट के चारों तरफ ऑल बॉर्डर हो जाएगा। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हटा देते हैं पहले। पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर बैठ जाएगा, हम इसको भी देख लेते हैं। ये जा चुका है। तो इस प्रकार से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये प्री डिफाइन स्टाइल्स है, ये भी एमएस वर्ड की विशेषता है। नॉर्मली बहुत सारे लोग इसका यूज नहीं करते, लेकिन जैसे ये तब काम आता है जैसे आपने कोई डिजाइन बना के रख लिया, इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर फॉन्ट लागू करना है, तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए। आपको फॉर्मेट में या ये जो फॉन्ट है यहाँ पर जाने की अपेक्षा कम समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसे क्लिक करना होगा, फॉन्ट को देखना होगा, फिर उसे क्लिक करना होगा, तब जाकर लागू होगा। जबकि यहाँ पर प्री डिफाइन स्टाइल जो लागू आपने बना रखी है उसे आप सिर्फ क्लिक करें, लागू हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, तो एमएस वर्ड में ये अधिकतर टाइपिंग वाले को समस्या आती है कि जब इंग्लिश टाइप कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर हमारा इंग्लिश चल रहा है, और इंग्लिश करते समय हमें अचानक से कुछ डेटा हिंदी का लिखना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमें फॉर्मेट में जाना होगा, यहाँ पर फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा, आकृति फॉन्ट हम टाइप लेंगे, फिर टाइप कर पाएंगे, फिर इंग्लिश लाना है तो इंग्लिश नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे क्या करना हो रहा, फिर हमें फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एरियल पे जाएंगे, यानी थोड़ा सा समय लगेगा। वो समय यदि आप बचाना चाहते हैं तो आसानी से कैसे करें, हम इसको समझते हैं। इसके लिए हम एक स्टाइल यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, ये चेंज स्टाइल या डिफाइन स्टाइल, स्टाइल सेट पे जाते हैं, और जो भी उसको सेट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, और हम स्टाइल में उसका कोई भी फॉर्मल या सिंपल स्टाइल रख सकते हैं, उसको पूरा देखते हैं। ऑप्शन में हम जाते हैं, ऑप्शन में पूरा ऑप्शन मिल जाएगा इसका। यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे मिलेगा आपको न्यू स्टाइल, इसे आप क्लिक करें। अब मुझे जैसे हिंदी चाहिए, हिंदी को मैं क्लिक करूँ, हिंदी फॉन्ट हो जाए, तो उसका नाम ही मैंने दे दिया हिंदी, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट है वो हम हिंदी के फॉन्ट ले लेते हैं। बोल्ड भी करना है आपको, ठीक है, कलर वगैरह भी यदि आपको करना है वो भी कर लीजिए, नहीं करना छोड़ सकते हैं। ओके ओके कर दिया। अब मैं टाइप कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मुझे टाइप करना है इंग्लिश, ठीक है, तो मैं कुछ भी डेटा इंग्लिश का टाइप करता हूँ, और इसी बीच मुझे थोड़ा सा डेटा हिंदी का लिखना है। मैं क्या करता हूँ, मैंने जो डिफाइन किया है हिंदी उसे मैं क्लिक करता हूँ, अब हम हिंदी टाइप कर पाएंगे। शायद ऑल डेटा पर मैं सिलेक्ट हो गया, हम थोड़ा सा पहले सेटिंग करते हैं इसकी। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, वो है कि पैराग्राफ पर लागू हो, तो पूरा पैराग्राफ पर ये लागू होगा, इसकी अपेक्षा आप कैरेक्टर कर लीजिए, तो ये कैरेक्टर पर लागू होगा, और इसके बाद आप उस स्टाइल का हिंदी न्यू करके दे देते हैं, हम न्यू करके असाइन कर देते हैं, और उसका फॉर्मेटिंग ले लेते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट इसमें इंग्लिश, इंग्लिश है, और आप हिंदी न्यू करना, ये हिंदी, अब देखेंगे आप कि अब ये हिंदी टाइप हो रहा है। तो जो समय टाइपिंग के दौरान बार बार हो, अब हिंदी टाइप हो गया, इसके बाद इंग्लिश टाइप करना है, तो फिर क्लिक कर दीजिए इंग्लिश को, सॉरी, ये हो गया। तो ऑटोमेटिक ही हिंदी
हिंदी से इंग्लिश, और ये जो समस्या बार बार आती है वो आपको नहीं आएगी। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश में फॉर्मेट में लागू करने का। इसके साथ फाइंड रिप्लेस दिए गए हैं, यदि किसी भी शब्द को आपको एमएस वर्ड में फाइंड करना है, जैसे बहुत सारे सिटियों के नाम लिखे हुए हैं, उदाहरण के तौर पर हम लिख लेते हैं उज्जैन, भोपाल, इंदौर, रतलाम, और भी इस प्रकार के हो सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें इंदौर 101 है, कहीं पर लिखा हुआ है और उसे मुझे फाइंड करना मिल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एमएस वर्ड का, आप फाइंड पे जाएं, यहाँ पे टाइप करें इंदौर 101, फाइंड को क्लिक कर कीजिए। मेन डॉक्यूमेंट में सर्च करना है, ये देखें सर्च करके बता देगा। दूसरा आता है रिप्लेस, यदि हमें इंदौर की जगह इंदौर सिटी करना है तो हम कर सकते हैं इंदौर सिटी, रिप्लेस करेंगे तो जहाँ 101 लिखा था वहाँ रिप्लेस कर दिया है। दूसरा सभी को करना है, जहाँ जहाँ इंदौर लिखा तो रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, यस करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली इंदौर को हम पहले फाइंड करते हैं, इंदौर फाइंड हो गया। इसके बाद रिप्लेस करना है इंदौर सिटी में, तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ठीक है। 10 रिप्लेसमेंट उसने बोला है, यस करते हैं, ओके करते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ भी इंदौर लिखा था वहाँ पर इंदौर सिटी हो गया, और पर्टिकुलरली हाईलाइट करके बता रहा है कि इतना मैंने रिप्लेस किया। 2003 में हाईलाइट करके नहीं बताता रहा हूँ, तो ये इसका एक अच्छी विशेषता है। तो फाइंड रिप्लेस देखा हमने, और सिलेक्ट से पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें दिए गए हैं। इस प्रकार से ये हमारा होम मेन्यू आज पूरा होता है। अगले वीडियोस में हम इंसर्ट मेन्यू को देखेंगे। साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जस्ट इंसर्ट मेन्यू या अगले वीडियो जितने भी हमारे आएंगे उनको देख पाएंगे, नोटिफिकेशन आपको उसका मिल पाएगा। साथ ही साथ छात्रवृत्ति में से शेयर अवश्य करें, ये इस प्रकार के वीडियोस हैं जिससे एमएस वर्ड या कंप्यूटर का पूरा ज्ञान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य भी है कि निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं जो आज डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं उसमें एक समस्या आती है, बड़ी समस्या आती है कि हम सीख नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं अभाव होता है समय का और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में घर बैठे ही आप पूरा नॉलेज ले पाएंगे, पूरा कंप्यूटर अच्छे से सीख पाएंगे। बस शर्त है कि आपको थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल एक बार करके देखना होगा, जिससे जो डेटा आपके रैम में है वो रोम में पहुंच जाएगा, यानी परमानेंट हो जाएगा। तो उसका प्रैक्टिकल आप अवश्य करके देखें। धन्यवाद।